राम सर आना है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब बहुत बढ़िया हो गए। 7:45 का टाइम हो गया सवेरे सवेरे का। गुड मॉर्निंग सब ना, और सारे उठ गए हम। हमें डॉक्टर साहब भूखा पीण लग रहे हैं, बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, और सारा का जाने का भी टाइम होने लग रहा है। आज दोनों बच्चों का पेपर है, स्कूल में जाना है, और डॉक्टर साहब ने ड्यूटी पर जाना है। दिन है शनिवार, और आज ये सीधे घर जाओगे हैं डॉक्टर साहब? आज घर जाओगे नहीं, क्योंकि शनिवार न लगभग ये चले जाया करें, एतवार न आ जा कर हैं, तो कल आ जाएंगे। और मना कर दिया अपना ब्लॉग की शुरुआत। और आज उम्र कम है और ठंड भी कम है, कल इतना करारा काम लग रहा था नहीं, तो इस करके न ठंड भी कम हो रही है और आज उम्र भी कम है। बाकी मना नू लागा सवेरे में उठी नहीं, उस टाइम तो उम्र जमाए कौन थी। अरे मना अब तक दिखा, अपना दिखा भी होगा, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा लागा था। और मैं बना लूँ खाना, खाना में क्या बनाएगा वो बेरा को नहीं। श्याम वाली सब्जी तरी है, उसका गला भी खा लेंगे तो सही है, थोड़ी चटनी कूट दूंगी तो ठीक है। बना लिया एक बार रोटी राटी यहाँ पे, दोबारा रिपीट कर। बाय मंगलवार जाऊं। देखियो कपड़े का लादा, देखियो कुर्सी पे कल दो ये थे, आज संगवाने। बाय चल पड़े सीधे जाओगे? बाय। तो डॉक्टर साहब गए हैं भी, औरत ने इन तो पहला जैली और अतुल होने लग रहा है तैयार। अतुल की वैन का टेम होने वाला है, तो देखो मेरी बेटी होगी है, पेटी पैटी ला के तैयार है, गुली बैठ लगा के तैयार हो गया के। और खाना खुना बना लिया हम, हमने खाना खुना बना लिया है और खा लिया है। सारा ने तनिया खाएगी और डॉक्टर साहब ने अतुल ने एक साथ बैठ खा लिया था, और अतुल बाद में आया है और फिर मैंने भी खा लिया। तो खाना का काम कंप्लीट हो गया। ये मेरे जुटूंगी मैं साफ सफाई का, बर्तन बर्तन का के कौन पाया गुल्लू? ब्लेजर। और अतुल का दे दू मैं ब्लेजर, काम इतना सुथरा काट रखा है। कल भी जमा कुछ सुतन आया दिन था, और आज भी जमा मजा सा आवे है। ले लवी एक मिनट तेल लाइ छोरा ना बेटे, गंदे कपड़े होंगे दीवार के सारे। अतुल परली छत पे एक छोटा सा बालक है, बोल बैट वो खेल कर बैट बोल, छोटी हुआ प्लास्टिक वाला बैट लेके न अतुल के पूरी यारी ला रहा है, उरली साइड खड़ा खड़ा बोल फेंकेगा और वो मारेगा। लतरी वैन लकड़ जाएगी इस के चक्कर में। आज गुल्लू टेम हो रहा है 9:29 हो गए। ले यो पैर ले ब्लेजर, एक बॉल खिलाऊंगा एक लाए है। गाम देखो आज कितना सुथरा लग रहा है, बढ़िया मौसम कर रखा है। तो फटाफट झाड़ू पोछा करके ना और बैठा गाम में नैनू के। तो भी इस टाइम हो रहा था 3:30 का टाइम हो रहा था, और मैं लग रही थी गोलगप्पे बनाने, क्योंकि बालकन 2-3 दिन हो गए थे मम्मी गोलगप्पे, फिर बस दही की कसर थी और पानी पुणी आला है कौन गोलगप्पे में, पानी आला आसपास दूरे है चौंक से पौड़ा। मैंने तुल भेजा कौन था, डॉक्टर साहब थे कौन आज, तो मैंने दही जमा दी थी कल, और प्याज आलू दही गला भी पापड़ी सी में जमा बढ़िया अलग है, और एक साइड चढ़ा दिया था कढ़ाई है, इसमें फुलाए थे मैंने गोलगप्पे। तो मैंने प्याज काट के धर दिए हैं, तानिया ने आलू छील के ना और आलू धर दिए हैं, चूर दिए वो लग गए स्कूल के कपड़े बदलन, जब तक मैं गोलगप्पे फुला दूंगी और फिर सारे बैठ के ना इकट्ठे खावांगे। Thank you.
अपने हो गए हैं तैयार और बाल खान लग रहे हैं। पेटन से तन ममड़ी कसर रह गई बच गए हैं। और ये देखो इनके मुंह, इसका मुंह देखिए किसका मुंह कर रहे हैं। देखो अपना बैक कैमरा करके दिखाऊंगी अपना के माल रेडी हो रहा है। ये देखो आलू बैल ली, प्याज पानी गोल गप्पियाँ का था नहीं तो यो ये आलूआ कर दे के बना के पापड़ी सी, वो भी टेस्टी लग गए हैं। तो कल भी मांगे थे, ये दो दिन हो गए इन्हें कर दिया ने, फिर कल मना दही जमाई और आज बनाए गोल गप्पे। और सच में अंडी बनाए, ये अंडी ला गए जमा रेडी आया तभी अंडी देखो मस्त। अरे ये मैं उड़ा मारा, मेरे भाई का ब्याह था, उड़ा बज रही थी दो थैली तो उड़ा तो ले आई थी, हलवाइयाँ का जो सामान था उल्टा कुन गया था वो, इस करके ना। और ये भी खा लिया, हाँ आ जाओ आप सब भी खा लो। थोड़ा दही में नमक डाल लो बेटा, फीका फीका लग गया है, डाल लिया और मैं बैठ गया नीचे क्योंकि आज ये हमने पूरी छत धो दी थी, दो दिन हो गए, इतना बढ़िया काम लकड़ा था तो मैंने सारी पानी मार दिया और वाइपर मार दिया, जमा सुतरी पड़ी है। सारे गोलगप्पे कर दिए हैं साफ, औरतों ने अन पकड़ दी है खाट, पूरी लेट लगा रही गर्म चादर उड़ी कि मैं देखो खाट, ये कपड़े पड़ेगा नाल तय करूँगी अग देखो खाट ऊपर। और यो स्कूल में तय कपड़े कैट दिए रही है, इनर इनर भरे हंड है। तो सारे गोलगप्पे खाए गए जितने बनाए थे एक थाली भर के। अरे समा बहुत घना टेस्ट आया, घने बढ़िया लगे। ये मैं भी थोड़ी देर लेटूंगी इन कपड़ों की तय करूँगी, डॉक्टर साहब काम में जा रहे हैं आज, आज आंदे को नहीं तो ये सीधा शाम का खाना का काम धंधा है। इतना फ्री हूँ मैं, इतना कपड़े संगवा दूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी। और उठ गई किसा मजा आया गोलगप्पा में, गोलगप्पे किसे लग गए और ताने को रहा है जमा भयंकर वाला, भयंकर वाला, भयंकर वाला जुकाम हो रहा है कसुत्ता। और मैं नहा ली थी, मैंने अपना ग्रीन सूट है ही पहन लिया था नहा के ना, क्योंकि जो इंद्र वाले सूट हैं मैं वह ज़्यादा डालू हूँ, जो गर्मी के हैं अपने घसे पिटे वो मैंने ठह के दर दिए हैं, क्योंकि जिसी भयंकर सर्दी पड़ी है, जिसी बूढ़ी सर्दी पड़ी है उतने बूढ़े गर्मी भी पड़न वाली है अग है, तो उस टाइम में वजह है भी घसे तो घसा कपड़ा वो पहनना है, तो फिर मैं अपने वह सूट पहनना स्टार्ट करूँगी। इतना सुहावा है, इतना ये इंद्र वाले सिलक पिलक के ये चल रहे हैं। तो ये कर लिया थोड़ा रेस्ट, थोड़ी देर में चाय पी के फिर कपड़े की तय करांगे, क्योंकि दही गल गोलगप्पे खाए हैं तो चाय बे उपरा तड़ी ठीक को नहीं। क्या तू उठाई वो तनु को रख सुता जुकाम, फिर भी आ दही खाएगी क्योंकि फ्रिज रखना तनु का बस की बात को नहीं। और कि मैं आज गोलगप्पे बन गए थे तो बड़ा सा बनाए दूंगी लौंग इलायची सारा सौदा घेर के मैं, और इसमें प्याज दूंगी फिर थोड़ा आराम हो जाएगा। तो अभी रसोई की हालत देख लियो, आज रोटी पानी में हमने खा ली है, बना ली है और दूध दाद भी गर्म कर दिया है। इबरा रे बस बर्तन बर्तन साफ करने, और टाइम हो गया है 8:30। इसमें दो ओड़े बर्तन हैं ये मैं लगाने हैं, और इसमें झूठे बर्तन हैं। और आज मड़ाई मड़ोई बुलवाई थी मैंने, इस करके नरे आइटम हो रहे हैं झूठे जमा, बस पूछो ना। तो आपने एक बार यो हाल दिखाऊं थी, अतुल ने रोटी खाई कौन, तनु ने खा ली, मन्ना खा ली, अतुल ने मिला भूख को नहीं। तो एक बार आप अड़को कर दिया है सारा कुछ क्लीन साफ सुथरा, फिर मिला अब तक बर्तन साफ हो गए हैं अपने जमा, सिर पर लत्ता धरके ने मैंने एक जोटा में साफ करे हैं। देखो सारे बड़े छोटे बर्तन सारे जूठे हो रहे थे, और रसोई की स्लेब भी मैंने साफ कर दी है क्योंकि शाम ने रसोई की स्लेब साफ करके सो जाए तो सवेरे उठ के पानी पुनी गर्म करा पीने खतरे, इतना मजा आ जाए है। अनुखिंडा मिंडा सांग दिखे नहीं उठ दिए, मुड़सा खराब हो जाए है कि मेरा जगह पर पतीला नहीं पावे कि मैं और दिक्कत हो जाए तो नू हो जाए सुनू, क्यों नहीं है सारा सौदा ठीक जगह पे। तो इस करके ना मैंने सारी स्लेप स्लेप साफ कर दी है, और ये लाइट भी मैंने ऑफ कर दी है, पर्दे हटा दिया थोड़े एक तो लाइट भी मैंने ऑफ कर दी है। अरे देखा वहाँ के बच्चे क्या कर रहे, मेरी भी रजाई रजुई ले रहे हैं के है, अपने अपने बिस्तर घेर रहे, मेरी रजाई खुल जाएगी भी है। और देखो तू आपको बापू का कंबल में सुत्या है, और तानी आपका कंबल अरियो लेके आ रही है, मेरी रजाई खुल लेके आ रही। अरे ये बर्तन ओढ़ दिए हमसे तो साफ नहीं हो जाए बेटा, मैं तो
तो ये करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक सब नाच जोड़ के राम राम टाटा बाय बाय गुड नाइट।